नमस्कार मैं हूं अमित और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक बजट टैब का जो कि आता है मोटोरा की तरफ से जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं मोटो टैप जी ट्वेंटी की अब मैं इस टैब को कुछ दिनों से यूज़ कर रहा था तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस टैब के साथ में वो सभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अगर आपको ये टैब ख़रीदना चाहिए तो क्यों ख़रीदना चाहिए और अगर आपको नहीं ख़रीदना चाहिए तो क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए तो चलिए अगर आप भी जाना चाहते हैं तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों डिज़ाइन के साथ में अब पहले भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टैबलेट में जो डिज़ाइन होता है वो ऐसा होता है कि जिससे आप इजीली कैरी कर पाए हालांकि 10-11 इंच वाले टैबलेट को आप कैरी नहीं कर सकते हैं लेकिन सेवन एट इंचज़ का जो डायमेंशन होना चाहिए वो इतना होना चाहिए कि आप इसे एक आध से कैरी कर पाएं ये मैंने आपको सैमसंग के जो टैब ए सेवन बता रहा था उसमें भी बताया था तो यहाँ पे दोस्तों इस टैबलेट का डिज़ाइन मोटोला जी ट्वेंटी का डिज़ाइन में मुझे कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है मैं इसे एक हाथ से कैरी कर सकता हूँ वेट की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं है 300 ग्राम के वेट के साथ में आपको ये देखने को मिलता है और हाँ अगर मैं बात करता हूँ इसके बैटरी की तो वो आता है 5000 हज़ार तो 5000 हज़ार के हिसाब से तीन सौ ग्राम का वेट मैं कहूँगा कि ठीक ठाक है बात करते हैं दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की तो रियर साइड में दोस्तों ये मेटल बॉडी के साथ में आपको देखने को मिलता है और फिनिशिंग भी मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी है इसके अलावा जो फ्रेम्स हैं ये आप कह सकते हैं कि आपको प्लास्टिक के देखने को मिल रहे हैं बात करते हैं दोस्तों फ्रंट साइड की तो एट इंच का स्क्रीन साइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पर दिया गया है आई पैनल जो कि आता है सेवन ट्वेंटी के रेजोल्यूशन के साथ में अब डिस्प्ले को भी दोस्तों यहाँ पे मैं अच्छा कहूँगा कलर्स वगैरह में अच्छे देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा जो ब्राइटनेस लेवल है ये भी काफ़ी अच्छा है और हाँ अगर मैं बात करता हूँ इसके डिफरेंट व्यू एंगल से तो वहाँ पे भी डिस्प्ले हमें ब्लैक ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है तो हाँ डिस्प्ले क्वालिटी दोस्तों हमें अच्छा देखने को मिल रहा है लेकिन हाँ फिर से आपको बता दूं यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको 720 ट्वेंटी पिक्सल्स के रेजोलूशन के साथ में देखने को मिलता है लेकिन हाँ 10 ग्यारह बारह हज़ार रुपये की प्राइसिंग में अगर हम कोई भी टैबलेट लेते हैं तो वहां पे हमें एच डी प्लस डिस्प्ले ही देखने को मिलने वाला है तो अभी तक टैबलेट का डिज़ाइन डिस्प्ले में अच्छा देखने को मिल रहा है चलिए परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर भी एक बहुत हैवी प्रोसेसर नहीं दिया गया है यहां पर भी आपको मिलता है एक डिसेंट सा चिपसेट जो कि है मीडिया का ही पी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है लेकिन जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ टैबलेट में कि क्या होता है कि दस ग्यारह बारह हज़ार रुपये के जो टैबलेट होते हैं वो दोस्तों जनरल यूजर्स के लिए ही बनाए जाते हैं अब जनरल यूजर्स का मतलब यहाँ पर अगर आपको वीडियोस देखने हैं मूवीज़ देखनी है या फिर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है अगर आपको जूम मीटिंग करनी है या फिर आपको हल्के फुल्के गेमिंग करनी है मतलब तो जैसे सब सब कर लिया टेम्पल रन कर लिया कुछ इस तरह की गेम यहाँ पर सपोर्ट करते हैं और चल जाते हैं कोई इशू आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है तो इन सारे यूज़ के लिए कहीं से भी इशू नहीं आने वाला है इन टैबलेट्स में सैमसंग गलेक्सी टैब ए सेवन लाइट जो मैंने आपको बताया था तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि परफॉर्मेंस आपको अच्छा दिखने मिलेगा और इस टैबलेट के हिसाब में भी मैं आपको यही कहूँगा यहाँ पर आपको तीन जी रैम के साथ में बत्तीस जी का स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाता है और जो रैम है ये आता है एल पी डी रैम जहाँ पर आपको ई स्टोरेज देखने को मिलता है इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कनेक्टिविटी की तो ये टैबलेट अभी हमें एक ही वर्ज़न में देखने को मिलता है जो कि है वाई वर्ज़न मतलब यहाँ पर कोई भी सिम वाला ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो वाई के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कैमरा की तो फाइव मेगा का रियर कैमरा यहाँ पर दिया गया है टू मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा वीडियो कॉल वगैरह के लिए यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है साउंड की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हमें सिंगल स्पीकर ही देखने को मिल जाता है बहुत ज़्यादा लाउड नहीं था लेकिन हाँ क्वालिटी आप अच्छा कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें डॉल्बी बी एटमोस साउंड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है तो साउंड क्वालिटी में भी ये अच्छा काम कर रहा था इसके अलावा दोस्तों आपको बता दो कि ये वाइट वन एल को सपोर्ट नहीं करता है जी हाँ यहाँ पर हमें एल का सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है तो अगर आप एच डी स्ट्रीम करना चाहेंगे नेटफ्लिक्स पे या फिर अमेजन प्राइम पर तो वो यहाँ पर नहीं कर पाएंगे वहाँ पर आपको एच से नीचे ही क्वालिटी देखने को मिलने वाली है और हाँ दोस्तों ये आता है स्टॉक यू के साथ में तो कोई भी थर्ड पार्टी अपलिकेशन आपको यहाँ पर प्रिंसटॉल देखने को नहीं मिलेंगी कोई भी ब्लू ट्रेंडिंग होगा तो ये अच्छी बात है और इसके अलावा जो परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलता है स्टॉक यू का वो भी काफ़ी ज्यादा बेहतर होता है अगर हम कंपेयर करते हैं किसी भी कस्टम यू के कम्पैरिजन में तो हाँ प्राइस के हिसाब से दोस्तों मैं कहूँगा लेकिन अगर आपका यूजर्स बहुत ज़्यादा जनरल हो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अगर आप इसे एक्सट्रीम परफॉर्मेंस एक्सट्रीम गेमिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी तो दोस्तों ये था मोटोला की तरफ से मोटो टैब जी ट्वेंटी अब दोस्तों बहुत ही सिंपल सा इसका वर्डिक्ट है कि अगर आपका यूजेज बहुत ही ज़्यादा जनरल है और अगर आपका बजट लगभग दस ग्यारह हज़ार रुपये है तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और शायद दस ग्यारह हज़ार रुपये की प्राइस में ये सबसे अच्छा ऑप्शन भी हो सकता है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्सट्रीम परफॉर्मेंस वाला कोई टैब चाहिए अगर आप आ, गेमिंग करना चाहते हैं वहाँ पर या फिर बहुत सारा काम करना चाहते हैं तो फिर इस टैब में आपको दिक्कत होने वाली है हालांकि अगर आप अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन स्टडी के लिए या फिर छोटी मोटी गेमिंग के लिए अगर आप टैब लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं इस टैब को आपको रिकमेंड करने वाला हूँ और हाँ इसका जो डिज़ाइन है लुक एंड फील है ये भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा तो काफ़ी हद तक ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है तो यही था दोस्तों इस टैब के बारे में मेरे व्यूज़ बाकी आप जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं मोटो के टैब जी ट्वेंटी के बारे में तो बस यही था आज के इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोज़ देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में तब तक के लिए आपके दिन शुभ हैं और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद